morning friends and welcome to Career Computer. We help you find the best career. मैं छोटी सी एक चीज बताता हूँ कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में डिफरेंस क्या होता है. यूनिवर्सिटी जो है वो UGC रिकॉग्नाइज करती है, कॉलेज जो है वो AICTE रिकॉग्नाइज करती है एक तरह से, और वो किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री देता है. जैसे कि रामस्वरूप कॉलेज तो वो AKTU से रिकॉग्नाइज है, वैसे ही रामस्वरूप की अपनी यूनिवर्सिटी है तो रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, देन इट इज अ यूनिवर्सिटी बाय इट्स ओन एक्ट. AICTE इज अ पार्ट ऑफ UGC, तो अगर UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है तो AICTE से उसका रिकॉग्निशन ऑटोमेटिकली हो जाता है. अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि कई कॉलेजेस जो हैं जो बहुत ही नामी गिरामी कॉलेज थे वो धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटीज में ऑटोनॉमी होती है, मतलब उनका खुद की एक इंडिपेंडेंस होती है, खुद की एक फ्रीडम होती है, अपना पेपर खुद बना सकते हैं, अपनी डिग्री खुद दे सकते हैं, अपना सिलेबस चेंज कर सकते हैं. उनमें से एक कॉलेज है जो यूपी का बहुत अच्छा कॉलेज है, वो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी. पहले ये गलगोटिया कॉलेज था. अब ये कॉलेज अच्छा इसलिए था, जब आप यूपी सीट भी देते थे तो कई अच्छी रैंकर्स वालों को ही गलगोटिया मिलता था. NIRF रैंकिंग में हो सकता है थोड़ा सा नीचे हो, बट यूपी में अगर आप कंपेयर करेंगे तो इट विल बी वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेजेस. अगर मैं केवल यूपी में कंपेयर करूं तो उनकी जो सैलरीज है दे आर इन द रेंज ऑफ 50-55,000 पर मंथ फॉर एमटेक ग्रेजुएट्स, एंड दैट इज क्वाइट हाई कंपेयर टू अदर कॉलेजेस इन यूपी. सो गलगोटिया अगर अपनी फैकल्टी को अच्छे पैसे दे रहा है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी थोड़ी अच्छी ही होगी. गलगोटिया ने 2011 में अपने को एज ए यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश किया. जब आप यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करते हैं तो आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है. आपको अपने डॉक्यूमेंट्स यूजीसी को भेजने पड़ते हैं. यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. तो जब आप ये डॉक्यूमेंट देते हैं तो इट टेक्स टाइम. तो आप यूजीसी की वेबसाइट पे जाके देख भी सकते हैं कि इनके रिपोर्ट में क्या आया, इन्होंने क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किए, इनके फैकल्टीज के बारे में भी पढ़ सकते हैं. सो आई वुड से इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश एंड वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज. इनकी जो फीस है दैट वुड आई वुड नॉट से बहुत हाई है, क्योंकि आप MIT से कंपेयर करें तो हाई नहीं है, GD गोयनका से भी कम है, UPES से भी कम है. इट इज इन द रेंज ऑफ 1,50,000. 1,50,000 में अगर आप कर रहे हैं तो आपका तकरीबन 4 लाख और 2-6 लाख में आपके BTech हो गया. आपको यहाँ से प्लेसमेंट मिल जाएगा 3 लाख का मिनिमम, 4.5 लाख तक का मैक्सिमम, और उससे ज्यादा ही मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन विच फील्ड ऑफ स्टडी यू आर चूजिंग, मे बी कंप्यूटर साइंस, तो ज्यादा ही मिल सकता है. तो अगर 4 लाख का मिल रहा है तो आप 3 से 4 साल में अपना लोन चुट्टा कर सकते हैं. मैं आपको ये कहूंगा कि गलगोटिया में अगर आपको लोन लेके भी पढ़ना पड़ रहा है तो गलगोटिया कैन बी अ प्लेस वेयर यू कैन स्टडी टेकिंग अ लोन. बच्चे बहुत से छोटे कॉलेजेस में भी लोन लेके पढ़ते हैं, बट ये एक ऐसा कॉलेज जहाँ पे आप लोन लेके पढ़ सकते हैं क्योंकि ये काफी स्टेबल कॉलेज है. यहाँ पे आपको एक प्लस पॉइंट और मिलेगा, वो है कि यहाँ पे अच्छे बच्चे आएंगे जो लोग पढ़ना चाहते हैं, तो द स्टूडेंट्स हु रियली वांट टू स्टडी. सो अगर आप ग्रुप बना रहे हैं, क्योंकि यूपी के अंदर क्या है, गवर्नमेंट सर्विसेज को लेके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, वो लोग सब चाहते हैं हम गवर्नमेंट सर्विस में जाएं, और गवर्नमेंट सर्विस में चाहे वो IAS हो, IES हो, SSC हो या फिर बैंक PO हो, इन किसी भी चारों में से जाने के लिए इनमें आपको पढ़ाई करनी पड़ती है. उसके लिए ग्रुप स्टडी इज द बेस्ट वे टू स्टडी. कॉन्सेप्ट अकेले समझिए लेकिन बाद में आप ग्रुप स्टडी करिए, तो यहाँ पे आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी. दिस इज एन एसेट, क्योंकि आपको बाकी कॉलेज में हो सकता है ना मिले. सो गलगोटिया यूनिवर्सिटी विद अ फीस ऑफ 1,80,000, अ प्लेसमेंट ऑफ 3,50,000 टू मे बी 4,50,000, एंड इफ यू आर कंप्यूटर साइंस मे बी मोर, विद गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड फैकल्टी, एंड यू विल हैव गुड स्टूडेंट्स हियर. सो आई वुड रियली रेटेड एवरेज प्लस प्लस, अ लिटिल मोर देन एवरेज एंड अ लिटिल मोर ऑल्सो. And in UP, one of the best. And they pay their faculties also well enough. So you can call us at the number given on our YouTube channel. You can follow us on Facebook with the same name, Career Competent. Or you can log on to our website with the same name, careercompetent.com. I hope this was useful for you. Career Competent wishes you best of luck for your career search.